साहित्यकार और बड़े कथाकारों में शामिल भीष्म साहनी की पहचान उस परंपरा से जुड़ी है जिसे प्रेमचंद की वारिस परंपरा कहा जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि भीष्म साहनी को लोग हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई के तौर पर ज्यादा जानते हैं। 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में जन्मे भीष्म साहनी ने लाहौर के सरकारी कॉलेज से अंग्रेजी में एमए किया था। बतौर लेखक उनकी पहली कहानी अबला थी। ये वो कहानी थी जिसने भीष्म साहनी को एक पहचान दी, ऐसी पहचान जिसकी तलाश हर नए लेखक को होती है। हिंदी के सबसे कामयाब नाटकों में से एक नाटक हानुष के बाद भीष्म साहनी को हिंदी के बड़े कथाकारों में शुमार किया जाने लगा था। इस नाटक को लेकर एक किस्सा भी है जिसे वो अक्सर सुनाया करते थे। दरअसल भीष्म साहनी की एक आदत थी कि कोई भी नाटक लिखने के बाद वो अपने बड़े भाई को जरूर दिखाते थे। तो वो हानुष को लिखने के बाद भी बड़े भाई बलराज साहनी के पास गए। तकरीबन वो 3 बार उनके पास गए मगर हर बार जवाब ना में ही मिलता था। लेकिन भीष्म साहनी जिद के बेहद पक्के इंसान थे, सो अंतिम बार उन्होंने इस नाटक को लिखा और इस बार बड़े भाई के पास ना जाकर सीधे पब्लिश करवा दिया और बाद में उन्हें इसी नाटक के लिए काफी सराहा गया। स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रहे भीष्म साहनी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए थे। 1947 के भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय उनका परिवार पाकिस्तान से भारत आकर बस गया। इस दौरान विभाजन का दर्द उन्होंने बेहद करीब से महसूस किया था और अपनी सारी संवेदनाएं संजोकर उपन्यास तमस को लिखा। एक ऐसा उपन्यास जो सच्ची कहानियों और साहित्य की दुनिया में मील का पत्थर साबित हुआ। तमस की पृष्ठभूमि देश के विभाजन के समय की घटनाएं हैं। मैं खुद उस दौर में से गुजरा हूं। वो वक्त हमारे देश के इतिहास का बड़ा दुखद अध्याय है। तमस के लिए उन्हें 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1998 में उन्हें साहित्य के पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे चलकर इस उपन्यास पर आधारित इसी तमस नाम से 1988 में एक टेलीविजन फिल्म भी बनी जिसको डायरेक्ट किया था प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्देशक गोविंद निहलानी ने। भीष्म साहनी का किरदार झरोखे, कड़िया, बसंती, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर जैसे उपन्यासों और साहित्यों को लिखने भर तक नहीं था बल्कि कस्बा के अलावा मिस्टर एंड मिसेस अय्यर फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया। आपाधापी और उठापटक के युग में भीष्म साहनी का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। भीष्म साहनी याद किए जाएंगे शिद्दत के साथ, खासतौर पर साहित्य और मनोरंजन के जगत में। उनके जन्मदिन पर NTI पॉकेट टीवी की पुष्पांजलि। NTI पॉकेट टीवी के लिए रचना मिश्रा की रिपोर्ट। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।